जितनी भी क्षमता है हम आपका काम करेंगे बिना भेदभाव के। हम जीत गए मतलब क्षेत्र हमारा है। हम ये नहीं देखेंगे कि हमें 1,10,000 जनता ने वोट दिया बाकी ने नहीं दिया। हमको ये देखना है कि पूरे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद हमको मिला है और जनता का आशीर्वाद लेकर संपूर्ण क्षेत्र का, संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र का, गांव गांव का, हर पंचायत का, नगर के हर वार्ड का, हर कोने का, हर गली मोहल्ले का विकास हमको करना है। और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आपके पास तक लेकर आना है और उसका लाभ आपको दिलवाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से जो आत्मीय स्वागत आपने किया, आपने इतना प्यार दिया, दुलार दिया, अभिनंदन किया, असली स्वागत सत्कार के अधिकारी आप हैं, हम नहीं हैं। क्योंकि हमने तो आपसे वोट मांगा है और आपने वोट दिया है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि देने वाला होता है दानदाता और लेने वाला होता है आपके याचक। याचक जो होता है वो लेता है, तो देने वाला बड़ा होता है। अगर आपने हमें वोट नहीं दिया होता, इतनी बड़ी ताकत नहीं दी होती, तो हम चुनाव नहीं जीत पाते। तो देने वाले आप हैं, लोकतंत्र के मालिक आप हैं, लोकतंत्र के मालिक आप हैं। इसलिए ये जीत हम आपको समर्पित करते हैं। ये जो ऐतिहासिक जीत हुई है, ये जीत आपको हम समर्पित करते हैं। और हमारे बालाघाट जिले की जनता को धन्यवाद दूंगी कि भाजपा की इतने घपलत करने के बाद, मशीनों में छेड़छाड़ के बाद, शासन तंत्र का भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने के बाद भी हमारे जिले की जनता ने असली जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया है। क्योंकि हमारे जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 विधानसभा क्षेत्रों में आपने 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक बनाए हैं और 2 भाजपा के बने हैं। तो ताकत किसकी खड़ी हुई है ये बताइए, किसकी ताकत है? तो अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी आखिरी में, उसके बाद आपके विधायक जी आदरणीय हमारे मधु भैया जी आपको संबोधित करेंगे। मैं आपसे आखिरी ये बात कहना चाहूंगी कि अब ये लड़ाई हमने जीती है विधानसभा की, आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है। निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रत्याशी चुनाव में लोकसभा के आएंगे मैदान में, अब आपको इसी ताकत का परिचय लोकसभा चुनाव में भी देना है। और यहां से हमारे बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से इस बार कांग्रेस के सांसद को चुनकर आपको दिल्ली की लोकसभा में पहुंचाने में अपना योगदान देना है। ये बहुत विनम्रता के साथ आपसे प्रार्थना करती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ शानदार ऐतिहासिक मतों से जीत की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आने वाले नए साल की, नया साल 2024, उसकी भी आपको हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मेले की खुशियों की हार्दिक बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय जय कमलनाथ। इस देश के अंदर डबल इंजन की सरकार है तो यहाँ के 2 जो पेड़ उखड़े हैं, ये डबल इंजन की सरकार जो परसवाड़ा को भी अपने साथ खींचे ले गई। आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद मिला है, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद मिला है। और चूंकि राजनीतिक मंच ना होने के कारण मैं सिर्फ विजय जुलूस में भी निरंतर लगातार ब्लॉक के माध्यम से क्षेत्र में पहुंचा हूं और इस मेला मड़ई में मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया है। चूंकि ये खुशियों का माहौल है और इस मेला में हम सभी छोटे व्यापारियों को और यहाँ के जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, दूर दूर ग्राम से हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारी बिटिया, हम आप सबको इस मेले की बधाई देते हैं। और ग्राम नेत्रा के हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी, हमारे मार्गदर्शक श्री टीकू पटेल जी, आपको भी बहुत बहुत हमारे साथ सुबह से साथ रहते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में बालाघाट ग्रामीण के ब्लॉक अध्यक्ष श्री नवीन चौधरी जी और ये हमारे राम लक्ष्मण, राम और अमित के लिए तो क्या बोलूं, अमित के लिए मैं क्या बोलूं,
इसने तो बीड़ा ही उठाया था कि भैया इस बार आप नेत्रा को देखना, क्योंकि मैं पिछले 14 साल 12 13 साल से लगातार आपके साथ हूँ, नेत्रा की फिजा नजर बिल्कुल अलग नजर आएगी। और निश्चित तौर पे अनुभव भाभी के साथ अमित भाई राम भाई की टीम ने जबरदस्त काम किया, तो नेत्रा की पूरी फिजा बदल गई। और साथ में हमारे इस कोसमी बदरा के हमारे जाबाज जिला पंचायत सदस्य रुक्मणी मुकेश माहुले, आप लोगों को सब याद होगा, आप लोगों को सब याद है कि नहीं, कुछ पुराना याद है। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात थी कि लोधी और पवार का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, कहीं ना कहीं ये बात थी। लेकिन आज लोधी और पवार मिलकर के आपके सामने एकता के साथ खड़े हैं, और जो बड़ी से बड़ी ताकत होगी वो हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। जिला पंचायत भी हमारा, विधायक भी हमारा, और यहाँ की जनता भी हमारी। यहाँ निश्चित तौर पे विकास की बात मैं बहुत ज्यादा अभी लेके नहीं चलूंगा, क्योंकि संतोष की नजरों में विकास तो मंत्री के साथ रह करके बहुत किए हैं, बहुत विकास किए। हम इतना कहना चाहेंगे, ये अचानक 3000 से 2500 या 4000 रुपए रॉयल्टी रेट की हो गई है, इसके लिए भाभी को और हमको दोनों को मिलकर के कलेक्टर से जरा आप लोगों को राहत पहुंचाना। गलत तो नहीं बोल रहे। मेला मड़ई में आप लोगों के घर में बहुत सारी मिठाइयां बनी होगी, या आप लोग लेकर के जाएंगे घर में, आप लोग परिवार के साथ मिलके, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर के, न जाने क्या क्या बना होगा, साथ में मिलके खाएंगे। लेकिन हम दो नेताओं के साथ, हम लोग जो यहाँ चार लोग जो विधानसभा जीते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा है, और लगभग हमारे जनपद सदस्य भी बहुत है, सरपंच भी बहुत है, इसलिए बालाघाट में मैं प्रशासन को कह देना चाहता हूँ, और कहने की जरूरत भी नहीं है, इस बालाघाट में सरकार अगर किसी की है तो वो कांग्रेस की सरकार है, और हम आपके साथ है। अपनी माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ, बहना लाडली बहना तो पास हो गई, नारी सम्मान भी हमारा थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन 3000 तक पहुंचाने की जो बात की थी पहली लड़ाई में, उनको 3000 तक पहुंचाने के लिए हम अनुभव ठीक है। और रहा सवाल, आज सीएम भी डिक्लेयर हो गए, कल हो सकता है हमारे जो किसान भाई हैं जो धान बेचने जा रहे थे रोक के रखे थे, मेरी पहली मांग होगी कलेक्टर से कि 2100 रुपए में आप धान प्रति क्विंटल खरीदो, गलत तो नहीं है। अच्छा ये बताओ, यहाँ ज्यादातर लोग तो सब किसान है ना, जरा हाथ उठाना किसान भाई, अब कैसे निपटेंगे ये, क्योंकि सरकार के पास खजाना खाली है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं कर्ज में सरकार में दबे हुए हैं। ये मैं आज फिर रोकता हूँ इसको, अभी ज्यादा हो जाएगा। गैस के लिए क्या बोलूं भैया, वो तो मेरी बहन है, वो सब मेरे साथ रहेंगी, तो पूरे प्रदेश भर के लिए 500 रुपए का सिलेंडर करेंगे। लाडली बहन से क्या होता है, उज्ज्वला में देंगे, इससे काम नहीं चलता, हमको तो सबको चाहिए 500 रुपए का गैस का सिलेंडर। हम ये मांग प्रदेश के अंदर विधानसभा के माध्यम से रखेंगे। और हाँ, मैं भाभी श्री से कहना चाहता हूँ कि आपका भी पहला क्वेश्चन और मेरा भी पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इस बालाघाट जिले में ग्राम पंचायत को रेट की रॉयल्टी जो सरकारी रेट की है उसके हिसाब से मिलनी चाहिए प्रति ग्राम पंचायत के हितग्राही को, चाहे पीएम आवास का हो, चाहे वो ग्राम पंचायत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको 1000 रुपए के ऊपर रेट, 500-800 रुपए से ऊपर रेट प्रति ट्राली नहीं होना चाहिए। और अगर ये ठेकेदार लोग मनमानी करेंगे तो इनको विधानसभा से ठीक किया जाएगा, ताकि हम अपने ग्रामीण में, चूंकि मैं ग्रामीण में आता हूँ, मैं जानता हूँ कि आज सबसे बड़ी मुसीबत है रेत की, और रेत जो है उसकी रॉयल्टी मैंने सुना है कि ट्रैक्टर की 2500 हो गई, कितनी हो गई, 2500 हो गई, अब 3000 हो गई, और पीछे से आवाज ना जाए 4000 हो गई।
4000 रुपए 2500 हुई है ना, 2500 की रेट अगर रेंटी पे है, उसका ट्रैक्टर, उसकी भराई, उसकी ढुलाई, आप समझ लीजिए 4000 क्या है ये। अरे गंगा घाट के रहने वाले हम लोग, गलत तो नहीं कह रहे, कहाँ के रहने वाले, गंगा घाट के रहने वाले, बालाघाट के रहने वाले, गंगा हमारी माँ है और वो माँ हमको इतने महंगे से अपने बहुत कम कराने की हम कोशिश करेंगे। भैया हमने बहुत वचन के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी बातें रखी थी, निश्चित तौर पे अगर प्रदेश का जनता जागरूक हो जाता तो आज प्रदेश में फ्री में बिजली आपको 100 यूनिट तक मिलती, फ्री में 2 लाख तक का आपका किसान का कर्ज माफ होता। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सरकार हमारी बनी नहीं, लेकिन बहुत सारे लाभ से मेरी शिक्षा जो मुक्त होने वाली थी उसमें अब पैसा लगेगा, और जो सबको सिलेंडर 500 रुपए का मिलने वाला था वो आपको 900 रुपए का मिलेगा, और रहा तक किसान का कर्ज माफ 2 लाख तक होने वाला था, उसका कोई किसान का कर्ज इस सरकार में माफ होने वाला नहीं। ये प्रदेश की अन्य विधानसभा में अगर ये बात को जनता समझ लेती और अगर बालाघाट जैसे परिणाम हर जिले में आता तो निश्चित तौर पर कमलनाथ जी आज आपके लिए राहत का पैकेज जो लेके आए थे वो आपको पूरा पूरा मिलता। आज हम लोग 4-4 से जाने के बाद भी आप लोगों को वो राहत नहीं दे पाएंगे जो भाभी ने, हमने, विक्की पटेल ने और संजय मेघे जी ने आज आप लोगों से वादे किए थे। ये आप लोग भी समझते हैं क्योंकि आप लोग बुद्धिजीवी हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये छोटे मोटे जो विकास के कार्य हैं विधानसभा के, इस कार्य के लिए हमारे चाहे वो नाली का निर्माण हो, सभा मंच का हो, सामुदायिक का हो, ये तो हम करवा ही लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा विकास का कार्य आपके अगर इस जिले से बाहर अगर आपका कोई परिवार का सदस्य रहता है तो उसको लोकसभा में डंके की चोट में बोलिएगा कि कांग्रेस का सांसद आप बनाइए ताकि बालाघाट की ताकत हम और बड़ी करें, ताकि दिल्ली तक हम लड़ाई को और खड़ी करें। और बहुत ज्यादा समय नहीं लगता 4-5 साल गुजरने में, 2028 का इंतजार कीजिए, हमारे माननीय कमलनाथ जी निश्चित तौर पे फिर से मुख्यमंत्री बनते नजर आएंगे, क्योंकि अब हम नई रणनीति से काम करेंगे। मेला ऑनलाइन में पहुंचे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जितने भी उपस्थित मेरे भाई लोग यहां बैठे, घनश्याम भी है, बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत प्रिय कार्यकर्ता है, आप सभी को मैं अभी एकदम नाम लेकर संबोधित नहीं कर पा रहा हूं, मुझे क्षमा करना। इधर मातृशक्ति आपको प्रणाम करता हूं, युवा साथियों को बहुत सा आशीर्वाद, बहुत सा प्यार देता हूं। काम ऊपर नीचे मत कर लेना क्योंकि सरकार मेरी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है आपके ऊपर अगर अत्याचार पुलिस प्रशासन कर रहा हो या शासन का प्रशासन का कोई भी कर्मचारी कर रहा हो, उसकी ईंट सीट बजाने का काम हम लोग मिल करके करेंगे इस बालाघाट जिले में। आपको प्रशासन का पूरा सहयोग, पुलिस थाने का पूरा सहयोग हम लोग देंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है ना मुकेश भैया। और मैं चाहता हूं कि इस परसवाड़ा में जितनी ताकत से आप लोगों ने चुनाव जिताया है, थोड़ा विश्वास मेरे पे रखना, क्योंकि मैं 5 साल से निरंतर प्रति ग्राम सुख दुख से जुड़ा हूं और आपके विकास से जुड़ा हूं, कहीं ना कहीं आपके परिवार से जुड़ा हूं, लेकिन अभी अगर मुझे 1,01,000 अगर वोट मिला है तो निश्चित तौर पर मुझे फोन लगाने वाले हर दिन 1,000 आदमी है, लेकिन वो फोन जो 24 घंटे में 1,000 फोन में अटेंड नहीं कर सकता। तो आप लोग निराश मत होइएगा, ये प्रॉब्लम भाभी की तरफ भी है, फोन हैंग हो जाता है, व्हाट्सएप खोला नहीं जाता, आप लोगों का प्यार जो व्हाट्सएप और मोबाइल में आता है तो हम लोग बड़े चिंतित होते हैं कि वो बुरा ना मान जाए, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता, क्योंकि हम लोग जमीनी नेता है भैया, हम लोग रेत और शराब बेचने वाले नेता नहीं है, हम रेत और शराब पकड़ने वाले नेता है, तो हम लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो सीधा कंधे पे हाथ डाल के बोलता है और मधु भैया क्या हाल चाल है, गलत नहीं बोल रहा हूँ, छोटा छोटा कार्यकर्ता बोलता है और हमको कोई परहेज नहीं है, हमको गद्दा फत्ता की जरूरत नहीं, ओपा सोपा की 5 मिले तो हम बैठ जाते हैं, पांटोले पे खड़े होकर गुटखा भी खा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, लपेट देते, गलत नहीं, कोई दिक्कत नहीं,
हम बने सर्व समाज सेवक सभी लोगों को साथ में लेने के लिए भाई योजनाओं के माध्यम से जो लाभ हम आपको पहुंचाना चाहते हैं वो 100% 24 कैरेट गोल्ड के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। हम उसमें भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी नहीं करना चाहते। अगर नेत्रा में भी काम होगा तो कील ठोक करके सड़क नापी जाएगी कि इसमें सीमेंट कितनी लगी है, रेत कितनी लगी है और भ्रष्टाचार कितना हुआ है। आप चिंता ना करें, हर जगह की नपाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों का आशीर्वाद। और आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।